नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन की एटसेक्स में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में शिक्षक पात्रता के लिए कल परीक्षा होने वाली है। 28 जनवरी दिन फाइनल किया गया है, दो पालियों में कल परीक्षा होगी। यहां पर एक बहुत ही सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है न्यूज़ कि चप्पल पहनकर बिहार के छात्र परीक्षा देने जाने वाले हैं। अपने आप में एक अनोखी बात है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कहीं अलग राज्यों में चोरी चमारी से बचने के लिए, यानी कि जो पेपर फर्जीवाड़े लीक को बचाने के लिए लोगों को चप्पल पहनने पे मजबूर किए जाएंगे। उनकी अपनी धारणा है, वो चप्पल पहन कर जाएं या जूते पहन कर जाएं। ये शिष्टाचार में नहीं आता है कि आप उनको मना करें कि तुमको चप्पल पहन कर ही आना है एग्ज़ाम देने। इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर जब ये न्यूज़ वायरल हुआ तो यहाँ पे एक अधिकारी ने इसको निरस्त किया और बोला कि वो अभी ठंड है तो आप जूते पहनकर भी आ सकते हैं। तो ये सारी बातों को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा आज हम आपको बताएंगे कि आपको और क्या नहीं करना है और क्या करना है आपके एग्ज़ाम में कल के लिए। तो एक छोटा सा वीडियो है, इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों जो हमारे साथ चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल पे जाएं तो सब्सक्राइब के इस रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आप तक जा सके। और रोज़ की न्यूज़ अपडेट से हमारे साथ बने रहने के लिए, आपका और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए एजुकेशन की एटसेक्स के टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। दोस्तों आपको मैं लेकर चलता हूं हिंदुस्तान की ऐसी खबर पे जो कि आज पेपर में दिया गया था कि बिहार एसटीटी 2020 की परीक्षा के लिए एसटीटी परीक्षा देने जाने वाले पढ़ लें क्या होगा उनका ड्रेस कोड। आपने कभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ड्रेस कोड तैयार कराया है किसी को? अगर नहीं, अगर हाँ कहीं सुना भी होगा, जैसे स्कूलिंग में तो चलता है कि स्कूल में है तो ड्रेस कोड पहनकर ही जाना आपको एग्ज़ाम देने, या कॉलेज में है तो भी ऐसा चलता रहता है अक्सर, है ना। लेकिन कभी कोई कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए तो नहीं। ये अनोखी बातें हो रही हैं बिहार के लिए। जी हाँ, मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पे कहना चाह रहा है कि आपको बिहार एसटीटी 2020 की जो परीक्षा है, बिहार बोर्ड की ओर से माध्यमिक शिक्षक पात्रता एसटीटी 2019 का आयोजन 28 जनवरी को दो पालियों में होना है। 28 जनवरी को दो पालियों में आयोजित होने वाली एसटीटी की परीक्षा सुबह के 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक होगी। तो जो छात्रों का कल परीक्षा सुबह 10 बजे वाला शिफ्ट में है तो वो 9 बजे तक एटलीस्ट अपने सेंटर पर जरूर पहुंच जाएंगे। वहीं दूसरी पालियों वाले जो हैं छात्र, उनका 2 बजे से 4:30 बजे तक का एग्ज़ाम होने वाला है। एक केंद्र पर हर जो रूम होंगे, है ना, कैमरे और जैमर और सीसीटीवी कैमरा लगाया जा रहा है। एक बेंच पर 2 अभ्यर्थियों से ज़्यादा लोग नहीं बैठेंगे। परीक्षा में 150 के अंकों का बहुकैल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा ओएमआर सीट पर लगाई जाएगी। बोर्ड की माने तो परीक्षा का केंद्र जो है पर परीक्षा शुरू होने के आधा घंटा पहले तक प्रवेश मिलेगा। पहली पाली की अगर बात करें तो सुबह 9:30 बजे तक आपको अपने पाली में पहुँचना और 1:30 बजे दोपहर वाली पाली में पहुँचना अनिवार्य होगा। पहली पाली में पेपर 1 तथा दूसरी पाली में पेपर 2 के परीक्षा ली जाएंगी। तो ये तो सारा आपका नियम हो गया परीक्षा होने का। उसके अलावा कहा जा रहा है कि दोस्तों एसटीटी का ड्रेस कोड जान लीजिए, इसमें एग्ज़ाम देने जाना है। अब ये ड्रेस कोड क्यों रखा गया है, सबसे बड़ी बात है इस ड्रेस कोड को रखने का। अभी हाल ही में परीक्षा हुआ है दोस्तों बिहार दरोगा का, ठीक है, और कांस्टेबल का, ठीक है। ये दोनों ही परीक्षाओं में पेपर लीक का मामला सामने आया था। पेपर लीक का जब मामला सामने आया तो यहाँ पर अधिकारियों ने कह दिया कि तुमको चप्पल पहन के आना है। अब ये चप्पल पहनने से क्या तात्पर्य, जूते में कोई फर्रे थोड़ी ना बना के ले जाते हैं लोग, या जूते में कोई मोबाइल डाल के ले जाता है। अगर ऐसा भी हो रहा है तो ये आपकी जो रिक्वायरमेंट है चेकिंग करने की वो बनती है कि आप अच्छे से चेक करें तभी अंदर भेजने दें। वहीं पर अगर आप चेकिंग करते समय किसी को पकड़ लेते हैं तो हो सकता है कि हाँ जूते पहन के जाएं, वहीं पे खुलवा के चेक करवा लीजिए। लेकिन यहाँ पे ये चप्पल पहनकर आना, और इससे क्या तात्पर्य है कि आप काम से अपना बच रहे हैं, है ना। आप 1 घंटा पहले अगर सेंटर पे हमें बुला रहे हैं तो आपका फ़र्ज बनता है कि यहाँ पे चेकिंग करें। चलिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, ऐसे में हर छात्र की बात नहीं करूँगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि परीक्षा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे चोरी चमारी फर्जीवाड़े के लिए कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं। तो ऐसे कम लोगों के चलते पूरा का पूरा जो यहाँ पे विद्यार्थी जो एक समूह है वो बदनाम हो रहा है।
और ये सिर्फ ना कि बिहार लेवल पे बदनाम हो रहे हैं, ये पूरे इंडिया लेवल पे बदनाम हो रहे हैं। जी हाँ, हर राज्य में ये एक वायरल न्यूज़ तरह फैला हुआ है कि बिहार में कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए चप्पल पहनकर बुलाए जाते हैं। तो ये कहीं का शिष्टाचार तो नहीं है सर। यहाँ पे ये जो चीज़ों को लेकर सामने रखा जा रहा है, ये इससे हमारा बिहार का नाम ही बदनाम हो रहा है और कुछ नहीं। जी हाँ, तो इससे रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे जो फालतू के ड्रेस कोड हैं इसे हटाया जाए। ठीक है, जूता मोजा घड़ी पहनकर आने के बाद परीक्षा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर आप जूते मोजे पहन कर जाएंगे, घड़ी तो चलिए ठीक है, बहुत लोग इलेक्ट्रॉनिक घड़ी ले चुके हैं, वो हटाइए उसकी बात। यहाँ पे डेढ़ घंटे का आपको मतलब जो भी जितने देर का आपको एग्ज़ाम का टाइमिंग होगा उतनी देर में आपको एग्ज़ाम देकर निकल जाना होगा, लेकिन क्या उतनी देर तक आप ठंड में ठिठुरते रहेंगे? बिल्कुल ठिठुरना पड़ेगा। लेकिन इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पे केंद्राधीक्षकों ने, जितने भी केंद्र के अधीक्षक हैं, उन्होंने इस संबंध में सशक्त निर्देश दिया है कि बोर्ड ने कहा है कि सर्दी के मौसम के कारण कई लेयर में कपड़े पहनकर आ सकते हैं। यानी कि अब बताइए, स्वेटर के अंदर स्वेटर पहनकर लोग चले जाएंगे, उसमें चीट फर्रे या मोबाइल लेकर चले जाएंगे, तो क्या उसमें चोरी नहीं होगी? तो चप्पल पे आखिर ऐसा क्यों? ये न्यूज़ जो है ये बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है पूरे सोशल मीडिया पे। आप लोगों के पास शायद अभी तक आया नहीं होगा, लेकिन हर स्टेट में इसे मजाक उड़ाए जा रहे हैं। तो इन्हीं सभी चीज़ों से मैं सरकार को कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप इस नियम कानून को हटाइए। स्वच्छ परीक्षा लेना है तो थोड़ी सी जाँच पड़ताल अच्छी कर लीजिए, परीक्षा बहुत अच्छे से हो जाएगी। इसी के बारीकी को जांच की जाएगी। इसी को लेते हुए यहाँ पे शिक्षक परीक्षार्थियों को तलाशी भवन में गेट के अंदर एवं परीक्षा के बाहर करेंगे। वीक्षक यह घोषणा पत्र पर भी देंगे कि परीक्षार्थी की तलाशी ली जाए और उनके पास घड़ी, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट इत्यादि ना हो। तो मेरा आप सभी छात्रों से भी एक अनुग्रह है कि जब आपको सफलता पानी है तो अपने दम पे क्यों नहीं, चोरी करके क्यों? पेपर लीक करने वाले, पेपर आउट करने वाले लोगों से दूर रहें। अगर ऐसे कोई दिखते भी हैं तो कंप्लेन करें सरकार को, उनकी जांच पड़ताल होगी। अरे 1% 2% ऐसे लोग हैं भी तो क्या, हटाइए उन लोगों को। लेकिन अगर आप ही अगर अपनी मेहनत को यहाँ पे निरस्त करके यहाँ पे और अपनी आप को यहाँ पे विफल समझ के आगे एग्ज़ाम देने जाओगे तो काफ़ी सफलता नहीं मिल पाएगी। तो ऐसा ये कहना था यहाँ पे मेरा इस वीडियो के माध्यम से, जो कि मैंने आपको यहाँ पे शेयर किए हैं सारे न्यूज़ को। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पे हर सेंटर पे अगर लाउड स्पीकर की व्यवस्था की जाएगी और वहाँ पे आपको निर्देश दिए जाएंगे कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना, आपको परीक्षार्थी को घड़ी, बैग, पर्स इत्यादि जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं वो लेकर नहीं जाना है, आपको सिर्फ अपना एक कलम लेकर जाना है। STET परीक्षा देते समय आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, OMR सीट भरते समय, ठीक है जी हाँ, चूँकि ये ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रहा है तो OMR बेस भरते समय पिता का नाम, अपना रोल नंबर, परीक्षार्थी तिथि और जन्म तिथि, जेंडर और विषय कोड और फोटो, इन सभी को एक बार अच्छे से चेक कर लें कि आपके एडमिट कार्ड पे सही से है या नहीं, देन आप परीक्षा में बैठें। और OMR सीट भरते समय अच्छे से गोले रंगे। देखिए मैं आपको एक बार और निर्देश देता हूँ कि अगर आपके OMR सीट पे 150 क्वेश्चन का सिनारियो है तो पहले क्या करेंगे आप, 10 क्वेश्चन बनाएंगे फिर उसको कलर करेंगे, फिर 20 क्वेश्चन बनाएंगे उसको कलर करेंगे, फिर 30 क्वेश्चन बनाएंगे उसको कलर करेंगे, ऐसे 10-10 क्वेश्चन या 15-15 क्वेश्चन बना के ही कलर कीजिएगा। अन्यथा आपके पास टाइम रहते हुए भी आप कलर नहीं कर पाएंगे और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके छूट सकते हैं लास्ट में, अगर कॉपी छीन ली जाती है तो आपकी। तो यहाँ पे तो ऑप्शन है उनके पास, टाइम जैसे घंटी बजेगा आपका कॉपी छीन लिया जाता है। तो इसलिए इन्हीं सब चीज़ों से बचिएगा, OMR सीट को अच्छे से कलर कीजिएगा, गोला रंगिएगा जो गोला रंगना है आपको यहाँ पे, ठीक है, और ये सारी प्रक्रियाओं से आपको गुजरना होगा दोस्तों। तो ये एक अनिवार्य निर्देश दिए गए थे जो कि मैंने आपको अब तक शेयर किए हैं। प्रश्न पत्र परीक्षा शुरू होने के 10 मिनट पहले जो भी दंडाधिकारी होंगे उपस्थित, उनकी उपस्थिति में ही प्रश्न पत्र का जो पैकेट होगा उसको खोला जाएगा। अगर पहले से खुला हुआ पैकेट आता है तो आप लोग उसके ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं, आप लोग उसके ऊपर यहाँ पे जाके सरकार को बता सकते हैं कि ऐसा हुआ हमारे साथ और ऐसा एग्ज़ाम को रद्द किया जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ आपको बायोमेट्रिक में भी हाज़िरी बतानी होगी अपनी, यहाँ पे इस प्रक्रिया से गुजरनी होगी और इसके लिए निजी एजेंसी को भी चयन किया गया है। निजी एजेंसी की कर्मी पहचान पत्र और ID प्रूफ के साथ ही केंद्र पर जो लोग पहुँचेंगे उनका यहाँ पे बायोमेट्रिक लेंगे, और जो लोग दिव्यांग कोटे से आते हैं वो अभ्यर्थी लिखने पढ़ने में सक्षम नहीं हैं उनके लिए DEO के नियम के अनुसार लेखक उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी को प्रति घंटा
10 मिनट अधिक समय दिया भी जाएगा, यानी कि जैसे कि लिख नहीं सकते हैं दिव्यांग कोटि के जो छात्र हैं, ठीक है, तो ऐसे छात्रों का भी यहाँ पे एग्ज़ाम लिया जा रहा है, तो उनके लिए अलग से यहाँ पे जो DEU हैं वो बैठ सकते हैं उनके साथ परीक्षा देने के लिए, उनको 10 मिनट का समय अधिक मिलेगा जो भी दिव्यांग कोटे से छात्र होते हैं। तो ये आपका दोस्तों यहाँ पे सारा डिटेल था, अनिवार्य जो सारी बातें थी मैंने आपको बता दी, निर्देश थे। अब आपको निर्देश का पालन करना है,